और इसी बीच जयपुर एसीपी की अजमेर में बड़ी कार्रवाई हुई है। अलवर गेट थाने का एएसआई नंद भवर ट्रैप किया गया है। एसीपी ने 50,000 रुपए की घूस लेते दबोचा। मुकदमे में धारा बढ़ाने की एवज में घूस की डिमांड की गई थी। एसीबी एएसपी ललित शर्मा ने कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा, डीआईजी रणधीर सिंह के निर्देशन पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और एसीबी की बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश, लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो की, और इसके बाद एक के बाद एक अलग अलग विभागों में प्राप्त शिकायतों पर एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। 50,000 की घूस लेते एसीबी ने ट्रैप किया है। धारा बढ़ाने की एवज में घूस की डिमांड की जा रही थी। एसीबी एएसपी ललित शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब आगे भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी नवीन जुड़े हैं। नवीन, एएसआई को ट्रैप किया गया है, बताइएगा किस तरह से पूरी कार्रवाई हुई और अब तक क्या खुलासा हो पाया? देखिए, बिल्कुल वाकई में एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है कि एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो अजमेर का जो अलवर गेट थाना है वहाँ का एएसआई है नंद भवर, उसको एसीबी ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल एक फरियादी था, फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके मुकदमे में धाराएं बढ़ाने की एवज में जो एएसआई है वो 50,000 रुपए की रिश्वत की डिमांड कर रहा है। तो जयपुर एसीबी की टीम ने अजमेर में पहुंचकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी के जो एडिशनल एसपी हैं ललित शर्मा और उनकी टीम है मौके पर मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो डीजी हैं रवि प्रकाश मेहरड़ा और डीआईजी रणधीर सिंह उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दूं जो एएसआई है इसके खिलाफ पहले भी एसीबी को कई बार शिकायतें मिल चुकी थी लेकिन इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। आज ये वेरिफिकेशन है, उसके बाद में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उसको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जो आपको बता दूं इस पूरे मामले में और भी कई लोगों की भूमिका संदिग्ध है और एसीबी ने मौके से कुछ फाइल और दस्तावेजों को भी जब्त किया। उनके आधार पर यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो घुसखोरी का ये नेक्सस है ये कब से कर रहा था और कौन कौन इस खेल के अंदर शामिल है। फिलहाल अब एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। शिका, नवीद, फिलहाल एसीबी के अधिकारियों की मौजूदगी कहाँ है? क्या कार्यालय के बाद घर पर भी तलाशी को बढ़ाया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल एसीबी की टीम जो आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है। वही अजमेर एसीबी की टीम है जो एक आरोपी जो आरोपी है एएसआई उसके घर पर भी पहुंच चुकी है। घर की सर्च की जा रही है। घर की सर्च में क्या कुछ निकलता है वो देखने वाली बात होगी। दफ्तर से तो एसीबी ने कुछ फाइलें जब्त की और ये भी पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि जो मुकदमे हैं वैसे कौन कौन से मुकदमे थे जिसके अंदर से धाराएं निकालने और हटाने का काम और जोड़ने का काम ये जो एएसआई करता था और इसकी जो जो 50,000 रुपए की रिश्वत की राशि है। चौंकाने वाली बात यह है इसके अंदर शिकायत की ये पूरी रिश्वत की राशि जो बताई जा रही है कि इस मुकदमे का आईयू भी यही था, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जांच अधिकारी यही था और यही जो रिश्वत की डिमांड कर रहा था। अब एसीबी इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और भी हो सकता है इस पूरे मामले में कई खुलासे हो जाएं। फिलहाल अभी कार्रवाई आधे घंटे पहले ही शुरू हुई है। जी ठीक है नवीन, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।